नमस्ते। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑस्टियोसार्कोमा क्या है और उसमें उसका वर्कअप कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। मैं हूं डॉक्टर चेतन अंचन। मैं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन हूं। मैं पिछले 18 सालों से इसी फील्ड में काम करते आ रहा हूं। मेरा स्पेशलिटी है ट्रीटमेंट ऑफ बोन ट्यूमर्स एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स। तो इस वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि हम इस बीमारी को क्यूरेटिव एंगल से ट्रीट करें या पैलिएटिव एंगल से, मतलब हम बीमारी को पूरी तरह से निकालने की कोशिश करें, मतलब पेशेंट को क्योर करने की कोशिश करें, या पेशेंट की तकलीफ दूर करने की कोशिश करें, मतलब जब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है तो उसमें क्योर करना पॉसिबल नहीं रहता। तो इस वक्त हम इस ऐसा ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं जिससे हम बीमारी की नहीं पेशेंट की जो तकलीफ़ है उसका इलाज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगर जब पेशेंट हमारे पास वक्त पे आता है, मतलब जिनका डिटेक्शन सही टाइम पे हुआ है, जिनका वर्कअप टाइमली हुआ है और जिन्होंने टाइमली अटेंशन या वक्त पे डॉक्टर के पास जब गए हैं और उनको सही एडवाइस मिला है, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये हमें क्यूरेटिव सिचुएशन में ही पेशेंट मिलते हैं। सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस में हमें ये बीमारी एक ही जगह पे, मतलब लोकलाइज डिजीज़ के स्टेज पे ही होता है और इस वक्त इसका हम क्यूरेटिव इंटेंशन से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्यूरेटिव प्लानिंग जब होता है तब हम बीमारी को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करते हैं और ऑस्टियोसार्कोमा जैसी बीमारी में कीमोथेरेपी और सर्जरी, ये दो मॉडलिटीज़ का रोल है। इसमें रेडियोथेरेपी का ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि ये रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर नहीं है, इससे रेडिएशन का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। सो ऑस्टियोसार्कोमा के ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरेपी और सर्जरी, ये दो मॉडलिटीज़ को यूज़ करते हैं। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा जहाँ पे कीमोथेरेपी का भी ज़्यादा रोल नहीं है, लाइक पेरोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा या लो ग्रेड सेंट्रल ऑस्टियोसार्कोमा, इसमें सिर्फ ऑपरेशन से ही पेशेंट का इलाज होता है। एक बार जब डिसीजन होता है कि पेशेंट का हम क्यूरेटिव इंटेंशन से ट्रीटमेंट करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट इस तरह से होता है। एक शुरुआत उनका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से होता है, इसे कहते हैं नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी। सो अबाउट 3 साइकिल या 4 साइकिल कीमोथेरेपी हम लोकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशन से पहले देते हैं, तो इसे कहते हैं नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी, जो लोकल ट्रीटमेंट या जो ऑपरेशन से हम पहले ट्रीटमेंट देते हैं। इससे पेशेंट का जो ट्यूमर है उसका साइज़ घटता है जब वो कीमोथेरेपी के असर में आता है, तो उसका रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, पेशेंट का पेन कम हो जाता है, सूजन कम हो जाता है और इससे हम ऑपरेशन करने में भी हमें आसानी होती है। तो आफ्टर नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी, मतलब अबाउट 3 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद, इसमें हम एक नया एक्सरे और नया MRI ये करके देखते हैं कि इसका रेस्पॉन्स कैसे रहा और उस MRI और जो कीमोथेरेपी के जो पहले हुआ MRI, ये दोनों को स्टडी करके उसके बाद इसका सर्जिकल प्लानिंग होता है। सो जब सर्जरी आता है इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, उसमें 2 मेजर स्टेप्स रहते हैं। 1 is resection, मतलब ट्यूमर को पूरी तरह से अच्छे से निकालना, और दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जब आप एक हड्डी का मेजर भाग को निकालते हो उसे हमें फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उस जगह को हमें फिर से बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो लिम या वो जो अंग है वो काम नहीं कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर जब बीमारी घुटने के पास हो तो घुटने के अराउंड का जिस भाग में जो बीमारी है उस हड्डी को कट करके निकालते हैं, जैसे कि लोअर एंड ऑफ फीमर या लोअर एंड ऑफ थाई बोन या घुटने के जो ऊपर वाला हड्डी है उस जगह पे अगर बीमारी हो तो उस जगह के बोन को पूरी तरह से हटा के उसे निकाल देते हैं और जो गैप बन जाता है उसे हमें फिल करना पड़ता है, जिसे हम एक इम्प्लांट से भरते हैं, उसे कहते हैं मेगा प्रोस्थेसिस। सो अराउंड द नी उसे बोलते हैं मेगा प्रोस्थेटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट। सो सिमिलरली ये जब हिप एरिया में रहता है तो वहाँ पे हम उसी तरह का इम्प्लांट डालते हैं, उसे कहते हैं मेगा प्रोस्थेटिक बाइफुलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, मतलब हिप एरिया का जो बोन है उसे रिप्लेस करते हैं। सिमिलरली शोल्डर एरिया में जब बीमारी रहती है तो उस एरिया का बोन निकाल के हम एक इम्प्लांट डालते हैं। ऑल ऑफ दीज इम्प्लांट्स को हम मेगा प्रोस्थेसिस कहते हैं। सो सर्जरी फॉर ऑस्टियोसार्कोमा में वाइड एक्सीजन, मतलब बीमारी को पूरी तरह से निकालते हैं और उसे
एक इम्प्लांट या मेगा प्रोसेसिस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक बार ये सर्जरी पूरा होने के बाद जब एक बार पेशेंट का वूंड हील हो जाता है और स्टिचेस निकल जाता है, उसके बाद पेशेंट फिर से कीमोथेरेपी के लिए जाता है। इसे कहते हैं एडजुवेंट कीमोथेरेपी, मतलब ऑपरेशन के बाद जो कीमोथेरेपी देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो अगर ऑपरेशन के पहले 3 साइकिल कीमोथेरेपी दिया हो तो इन ऑस्टियोसारकोमा जनरली ऑपरेशन के बाद फिर से और 3 साइकिल कीमोथेरेपी देना पड़ता है। अगर ऑपरेशन के पहले 4 साइकिल दिया होता है तो ऑपरेशन के बाद उसे और 2 साइकिल कीमोथेरेपी देना पड़ता है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ पेशेंट्स ट्रीटमेंट। एक बार ट्रीटमेंट एंड होता है तो उसके बाद पेशेंट को हम फॉलोअप करते हैं, और ये फॉलोअप का एक लॉन्ग प्रोटोकॉल रहता है, अप टू 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक हर पेशेंट को हमें फॉलोअप करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम ये जाने कि ऑस्टियोसारकोमा का वर्कअप, सिम्टम्स और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे होता है। आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस सवालों का जवाब देने का। धन्यवाद।